हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस वीडियो के थ्रू आप स्पेसिफिकली जानेंगे कि रॉटवीलर का प्राइस क्या चल रहा है इंडिया में। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, 2021 कब का स्टार्ट हो चुका है, तो डॉग ब्रीड के प्राइस जो है वो ड्रेस्टिकली वेरी कर रहे हैं इन दिनों। तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि इस पर्टिकुलर ब्रीड जिसे कहते हैं रॉटवीलर, इन बिग बॉयज का, इन क्यूट फरी बेबीज का प्राइस क्या है इंडिया में। उसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि इस ब्रीड को रखने की मंथली कॉस्ट क्या है। और अगर आप एक्साइटेड है इस वीडियो को आगे देखने के लिए तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो देखो यार, रॉटवीलर डॉग ब्रीड एक वर्किंग डॉग ब्रीड है, लार्ज साइज डॉग ब्रीड है और इस ब्रीड की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो इसका प्राइस बाकी ब्रीड के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई ही रहता है। एवरेजली अगर इसका प्राइस देखा जाए इंडिया में तो वो है अराउंड 15,000 to 40,000। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको ये ब्रीड 8,000-10,000 की भी मिल जाएगी और सेम टाइम पे यही ब्रीड आपको 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की भी मिल जाएगी। तो वो फैक्टर्स क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है यार वो है क्वालिटी। अब आपको ये देखना है कि आपको पेट क्वालिटी चाहिए या शो क्वालिटी चाहिए। बेसिकली डिफरेंस क्या है कि अगर आपको अपना कोई ब्रीडिंग बिजनेस करना है, अपने डॉग को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, इन अ वे ऐसा कह सकते हो, तो आप एक शो क्वालिटी डॉग लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। वहां पे दूसरी तरफ अगर आपको सिंपली अपने घर में रखने के लिए एक क्यूट पपी चाहिए रॉटवीलर का, तो वो आपको पेट क्वालिटी के अंदर आएगा और उसका प्राइस काफी कम होता है। जहां तक बात है पेट क्वालिटी रॉटवीलर की, तो वो आपको मिल जाएगा 10,000 से 25,000 तक का। इससे महंगा मिलेगा तो मत लेना, उससे कम मिलेगा तो कंफर्म कर लेना कि वो रॉटवीलर पपी ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर कहीं अदर सोर्स से तो नहीं आ रहा, जैसे पपी मिल्स वगैरह, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, तो आप ये चेक कर लेना। और जहां तक बात है शो क्वालिटी रॉटवीलर पपी की, तो यार इंडिया में इसका प्राइस वेरी करता है, 40,000 के लगभग से ये स्टार्ट होते हैं और ये जा सकते हैं 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, डिपेंडिंग कि वो डॉग कहां से आ रहा है। अगला फैक्टर यही है कि जिस जगह से आप ले रहे हो वो भी मैटर करती है। अगर आप ले रहे हो बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो इस ब्रीड का प्राइस ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हाई पे करना पड़ेगा। अगर आप पेट क्वालिटी लेते हो इन जगहों से जो मैंने अभी कही है, तो आपको 18,000 से 20,000 तक की पेट क्वालिटी रॉटवीलर डॉग ब्रीड पड़ जाएगी। और सेम टाइम पे इन्हीं सब जगहों में आपको शो क्वालिटी जो डॉग है वो 80,000 से लगभग, यार अगेन मैं बोलूंगा, स्टार्ट होता है और वो जा सकता है 1.5 लाख तक। अगर आप किसी स्मॉल सिटी से लेते हो जहां पे इस पर्टिकुलर डॉग ब्रीड की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, तो वो आपको एवरेजली कॉस्ट पे पड़ेगी अराउंड 15,000 to 40,000। अगला फैक्टर है यार जेंडर। देखो मेल डॉग्स की डिमांड ज्यादा रहती है फीमेल से, तो मेल डॉग का प्राइस भी जो होगा वो 5,000-6,000 तक ज्यादा ही रहता है फीमेल डॉग से। अब यार जिससे आप अपना रॉटवीलर पपी ले रहे हो वो कौन है, इसका भी असर पड़ता है कि वो क्या प्राइस चार्ज करेगा। पपी मिल से मत खरीदो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। पपी मिल्स में क्या होता है यार कि एक अजीब सी जगह होती है जहां पे सब डॉग्स को भर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें फोर्स किया जाता है ब्रीड करने के लिए। उन डॉग्स का स्पेसिफिकली यही काम होता है, बस बच्चे पैदा करो। उन्हें जो फूड दिया जाता है, जो उनकी केयर की जाती है, वो ना के बराबर होती है। सिर्फ इतनी होती है कि वो बच्चे देने के लिए काम के हो, बस इतनी केयर होती है। उनकी वैक्सीनेशन भी प्रॉपर नहीं होती है और जनरल केयर भी नहीं होती है। मोस्टली जो पपी मिल से बच्चे आते हैं रॉटवीलर पपी के, वो प्योर भी नहीं होते हैं, तो वहां से तो भूल ही जाओ। पेट शॉप एक ऑप्शन है, वहां से आप ले सकते हो, लेकिन कई सारी पेट शॉप भी पपी मिल से कनेक्टेड होती है। वो पपी मिल से सस्ते बच्चे लेके आते हैं और पेट शॉप के नाम पे बच्चे बेच देते हैं सजा धजा के। तो वहां से आप एक रॉटवीलर पपी तभी लीजिए अगर आपको कन्फर्म है कि वो पपी एक अच्छी क्वालिटी का है। क्वालिटी आप कैसे चेक करेंगे, उसकी हैवी बोन्स होनी चाहिए, ब्रॉड हेड होना चाहिए, एक स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए और जो सारी मार्किंग्स होती है एक रॉटवीलर पप को आइडेंटिफाई करने की, वो प्योर है कि नहीं, वो सब मार्किंग से वो फुलफिल करे। और आप एक हेल्दी पपी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, शाइनी कोट होना चाहिए, शाइनी आईज होनी चाहिए, क्लीन ईयर्स, आपको उसकी बोन्स चेक करनी है कि हैवी बोन है या नहीं, तो ये कुछ चीजें होती है। अगर आप पेट शॉप से लोगे तो एवरेजली जो प्राइस होगा आपको रॉटवीलर पपी का वो पड़ जाएगा इंडिया में अराउंड 15,000 to 40,000, यार सेम ही चलता है। उसके साथ साथ बात करते हैं ब्रीडर्स की। देखो ब्रीडर से एक रॉटवीलर पपी लेना या कोई भी ब्रीड का पपी लेना बेस्ट है। रीजन क्या है यार कि एक ब्रीडर हमेशा चाहता है कि उसका डॉग एक शो में बेस्ट हो और वो जो डॉग होगा वो पपी से ही बड़ा होगा, तो वो चाहते हैं कि हर पपी जो है वो बेस्ट से बेस्ट निकले। लेकिन सिर्फ एक या दो पपी होते हैं जो ब्रीडर को लगता है कि सबसे बेस्ट है, उन्हें वो अपने पास रखते हैं। बाकी जो पपी होते हैं वो उस हाई लेवल की क्वालिटी के नहीं होते कि शो में कम्पीट कर पाए, लेकिन वो पपी हेल्दी होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं और आपके लिए एज अ पेट घर में रखना या अगर आपको ब्रीडिंग बिजनेस शुरू करना है उसके लिए लेना है, तो ब्रीडर से लेना बेस्ट है। ब्रीडर का प्राइस डिपेंड करेगा यार कि वो ब्रीडर कितना ज्यादा रेपुटेड है। अगर उसके पास कोई डॉग है जो चैंपियन है, जो शोज जीता है,
उसके जो पपीज होंगे डेफिनेटली, चाहे वो शो क्वालिटी हो, पेट क्वालिटी हो, उनका प्राइस वो ज्यादा मांगेगा क्योंकि उनकी डिमांड भी ज्यादा है। और उसके साथ साथ जो उसकी पेट क्वालिटी होगी वो भी एवरेज प्राइस से उसका प्राइस भी ज्यादा ही होगा। वो जो होगा वो 30,000 45,000 तक जा सकता है। अब अगर देखें रॉटवीलर का मंथली एक्सपेंसेस, तो देखिए यार जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है, मस्कुलर बॉडी है इनकी और बहुत ही एक माचो तरीके से रहते हैं, तो इनके फूड का जो कॉस्ट होता है वो मेन कॉस्ट है और वो सबसे ज्यादा कॉस्ट है। वो है अराउंड 5,000 टू 8,000 पर मंथ। बहुत ज्यादा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यही है यार, ये लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। उसके साथ साथ वेट बिल्स आपको आ सकते हैं 1,000 से 1,500 तक पर मंथ। स्पे एंड न्यूटर की अगर आपको सर्जरी करवानी है अपने डॉग की, स्पे एंड न्यूटर क्या होता है यार, कि अगर आपने ब्रीडिंग बिजनेस नहीं करना है, उस डॉग के द्वारा बच्चे पैदा नहीं करवाने हैं, तो आप स्पे एंड न्यूटर सर्जरी करवाते हो। ये वन टाइम कॉस्ट है और ये है अराउंड 5,000 टू 10,000 डिपेंडिंग ऑन कि आप किस जगह पे रह रहे हो। बाकी छोटे मोटे खर्चे हैं जैसे कि ग्रूमिंग एक्सेसरीज, आप अपने डॉग की लीश लेते हो, कॉलर लेते हो, बोल्स लेते हो, ये सब चीजें, तो 1,000 रुपीज पर मंथ आप इसका खर्चा रख सकते हो। एवरेजली अगर देखा जाए तो विदाउट सर्जरी एक रॉटवीलर को रखने की मंथली कॉस्ट जो है दैट इज अराउंड 7,000 टू 10,000 पर मंथ। यहाँ पे मेन कॉस्ट जो है वो फूड की है। यार यही था इस वीडियो के लिए। मेक श्योर अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वाली पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और किस टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं ये बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।